तो हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालेवाल। लिंकिंग लॉस एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर सोमवार 5 अगस्त का जो दिन है वो बड़ा ही खतरनाक तरह का रहा। अब इस दिन को मैं खतरनाक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट को लेकर जो विवाद हुआ है, उस विवाद के बारे में आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि किस तरीके से सीआरपीसी 1973 के तहत जो अपॉइंटमेंट किया गया वो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं माना जा रहा है। आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि क्या क्या मामले यहां पर। देखिए, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हुआ ये कि विधानसभा, राजस्थान विधानसभा का जो है बैठक चल रहा था, मीटिंग चल रहा था, और इसके दौरान जो है एक मुद्दा उठाया गया। और वो मुद्दा क्या था जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं जो है हमारे देश का स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके इस कंडक्ट को, उसके इस एक्ट को पूरे देश के अंदर क्या किया जा रहा है, एक तरीके से कोसा जा रहा है कि माननीयों को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, तो जयपुर विधानसभा में सोमवार को सदर उस समय शर्मसार हो गया। विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, तो उनको इस तरीके से फिंगर दिखाएगी, उंगली दिखाने के आरोप पर कांग्रेस के जो एमएलए हैं मुकेश जी भाकर, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड तो कर दिया गया था, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थे, वो सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं थे, तो वहां पे मार्शल बुलाए गए। और जब वो मार्शल इन कांग्रेस के एमएलए को लेने आए, तो वहां पे कांग्रेस के जो अदर एमएलए थे उन्होंने इनको, कांग्रेस विधायक भाकर को क्या कर दिया, घेर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि हम उनको नहीं ले जाने देंगे। तो फिर 100 मार्शल जो है वो इकट्ठे हो गए और उनकी विधायकों के साथ में भिड़ंत हो गई, धक्का मुक्की हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि सीनियर एमएलए हरिमोहन जी जो है वो भी नीचे गिर गए, वहां पे एमएलए अनिता जाटव उनकी चूड़ियां टूट गई, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो है आज के अखबार राजस्थान पत्रिका के अंदर है जो छपी हुई है। अब देखो मुद्दा क्या है, तो मुद्दा ये है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधि विभाग के अंदर 25 जुलाई को, अब इस डेट को आपको नोट करना है, 25 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को बीएनएसएस आपका इफेक्टिव हुआ है, और 25 जुलाई 2024 को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 12 जिलों में उन्होंने पीपी की नियुक्ति है जो कर दी। तो अब सवाल ये आता है कि जब आप 1 जुलाई 2024 के बाद अपॉइंटमेंट कर रहे हो, तो फिर आपने नए कानून के तहत, आपने दंड प्रक्रिया संहिता के तहत क्यों की, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपॉइंट क्यों नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उनका एक आरोप ये भी है कि जो राजस्थान के विधि मंत्री हैं जोगाराम पटेल, तो उन्हीं के बेटे को जो है एक तरीके से अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया, तो इसको भी लेकर जो है हमारे देश के राजस्थान राज्य की जो विधान मंडल है वहां पर हंगामा है जो हुआ। और ये सारा मामला बाकी आप सब देख पा रहे हैं, इसको संवैधानिक संकट कहा गया है कुछ विपक्ष के नेताओं के द्वारा। तो अब इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कहीं कहीं जो है क्या अपॉइंटमेंट इस तरीके से होना वैलिड है या नहीं है। एक साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप जुडिशरी की तैयारी है जो कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि राजस्थान जुडिशियल सर्विस का मेंस का एग्जाम जो है अभी चल रहा है, अभी मेंस का एग्जाम जो है आपके होने वाला है, और वही साथ साथ में जो अलग अलग स्टेट है, चाहे वो दिल्ली हो या अन्य कोई स्टेट हो, तो वहां पर भी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश में करंट की जो वैकेंसी का डिस्पोर्ट जैसे शॉर्ट आउट हो जाता है, उसके बाद में वहां पर जो है नेक्स्ट वैकेंसी तैयार रहेगा। यूपी एपीओ का सेगमेंट जो है वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, वो भी प्रिपेयर है जो रहने वाला है। तो ये सारी बातें जो आपको मुझे बताना ठीक लगा, और खासकर राजस्थान विधानमंडल का ये वाक्य जो कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर आपको क्या कहना है जरूर बताइए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, अनअकैडमी के उस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जिसकी जानकारी आपके लिए यूजफुल है जो हो सकती है, और वो ये है कि कहीं के अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप टेस्ट जो करवाया गया है वो हर महीने करवाया जाता है। तो अगर आप फिनेंशियली चीज़ों को थोड़ा सा सफर कर रहे हैं, तो उस केस में अपने टैलेंट के दम पे स्कॉलरशिप लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और आपका व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।